सीधे रुख करते हैं पटना का, जहां पर इंडिया गठबंधन की महारैली हो रही। तेजस्वी यादव से बोल रहे हैं। पार्टी है बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है, उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे लेकिन आरजेडी का मतलब है आठ से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार नौकरियां विकास, राइट्स जॉब डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी, जवाब दीजिएगा ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर। ये कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक, ये विचारधारा की लड़ाई है। और आप सब लोगों को साथ आना होगा, सभी समाजवादी भाइयों को साथ आना होगा। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग डरेंगे? हम लोग डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। या आप जानते हैं बीजेपी के लोगों ने दो दो उप मुख्यमंत्री बनाया है, एक फाउल माउथ है, अनाप शराब बोलता है, और दूसरा जो है लाउड माउथ है, बरबोला है। लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे कि ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बरबोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े, और लड़े हैं और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी कम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े। तो ज्यादा हम लोग क्या कहें, लेकिन मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं
मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 MP बीजेपी को जिताया। आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं। भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया, बताओ। मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की? कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ? इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा दे करके परोस देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं, झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। तो जन विश्वास रैली हो रही है और तेजस्वी कह रहे हैं कि आरजेडी का मतलब राइट है, जॉब है और डेवलपमेंट है, ये समझना होगा मोदी सरकार। ABP News आपको रखे आगे।